रिटायर्ड एसपीओस को इंसाफ दो, रिटायर्ड एसपीओस को इंसाफ दो, हमारी मांगे पूरी करो, 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 रिटायर्ड एसपीओस को माफ करो, रिटायर्ड एसपीओस को माफ करो, इंसाफ दो, रिटायर्ड एसपीओस को इंसाफ दो, इंसाफ दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, डिसएंगेज एसपीओस को बहाल करो, बहाल करो, रिटायर्ड एसपीओस को इंसाफ दो, इंसाफ दो, एसपीओस की रेगुलर पॉलिसी बैन करो, बैन करो, एसपीओस की रेगुलर पॉलिसी बैन करो, बैन करो, रिटायर्ड एसपीओस को बहाल करो, इंसाफ दो, डिसएंगेज एसपीओस को भाई कहां घुसा रहा है यार जी सर। जैसे सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिस तरीके से ये जो बेसारा लोग हैं हमारे जम्मू कश्मीर के डिसएंगेज एसपीओस, रिटायर्ड जो कुछ दिन पहले रिटायर्ड किए गए एसपीओस और जो हमारे जम्मू कश्मीर में सर्विस कर रहे हैं एसपीओस, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए जब भी हमने कोई भी प्रोग्राम किया, कोई भी प्रोटेस्ट किया, मीडिया का हमेशा से ही इन लोगों के हक में तावन रहा है और मैं मीडिया का सभी लोगों की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं ये बताना चाहूँगा जो ये मैंने इस बैनर पे रखे हैं ऑर्डर्स, ये तमाम ऑर्डर्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से लेकर होम मिनिस्टर, एडवाइज़र, तमाम लोगों ने अपने हाथों से लिख के दिया है कि ये 18 महीने, कोई लिखता है कि 18 महीने हमसे लेप्स हो गया, फर्दर डिले नहीं होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक हम गए, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट पहुंच गए, अब ईरान नोटिस इशू हो चुके। उसके बाद डीजी साहब ने कुछ लड़कों को रिटायर कर दिया विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट। नंबर वन, हम ये डिमांड करते हैं कि फौरी तौर पर जो रिटायर्ड किए गए हैं एसपीओस उनको रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाए। नंबर टू, जो ऑलरेडी होम मिनिस्टर ऑफिस न्यू दिल्ली से आया है, जिसमें हमने ये डिमांड की थी, ऑल डिसएंगेज एसपीओ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख, इनको रीएंगेज किया जाए। नंबर थ्री, हमारे जो एसपीओज है जिनकी पिटीशन इस वक्त ऑनरेबल हाईकोर्ट में चल रही है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद और हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस इशू हो गए हैं, उनकी रेगुलर पॉलिसी तुरंत फ्रेम होनी चाहिए और उनकी सैलरी में इजाफा होना चाहिए और उनकी एक्सटेंशन रिलीफ में बढ़ोतरी होनी चाहिए। यही मुद्दे लेकर आज हमारा ये प्रोटेस्ट है। कल मैं ये पूरी डिटेल लेके, ये सारे रिकॉर्ड लेके दिल्ली जा रहा हूँ। एक तो इन ऑर्डर्स का चैलेंज करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। नंबर टू, देश के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से मैंने अपॉइंटमेंट के लिए लेटर भेज दिया है, जो भी और जब भी मुझे उनसे अपॉइंटमेंट का टाइम मिलता है पूरे जम्मू कश्मीर के इन लोगों की आवाज़ को उनके सामने रखूंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि उस पर वो ज़रूर सुनवाई होगी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पहले भी लिखा है। मगर बड़ा अफसोस होता है जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक एज ए टूरिस्ट बन के यहाँ पर काम कर रही है, वो अपने सैर सपाटे पे तवज्जो दे रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर 90% छोटे तबके के मुलाजम सड़कों पर है, वो इन लोगों को दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए हम ये डिमांड करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ मजीद सौतेली माँ जैसा सलूक मत करें। यहाँ के आवाम अमन पसंद लोग हैं, अगर ये लोग सड़कों पर उतरते हैं तो जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को पता चलेगा। जम्मू कश्मीर के लोग जब अपने हक के लिए बाहर निकलते हैं तो वो अपना हक छीन के लेना भी जानते हैं। यही हमारा पैगाम है। शुक्रिया, धन्यवाद।